आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है जो अंधविश्वास पाखंड से कैसे बाहर निकला जा सके। और अब समझना जो है वो किस ओर है। जैसे लगभग 3000 वर्ष से ऊपर हो गए और आपकी बातों में आकर के हमने मान लिया कि हम अछूत है या हम छोटी जात के हैं, आप बड़ी जात के हो। लेकिन अब हम भी समझ चुके हैं कि हम इंसानों में न बड़ी जात होती है, ना छोटी होती है, ना अछूत होता है, ना छूत होता है। इसलिए अब समझना आप लोगों को पड़ेगा। हम बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ हमने यातनाएं भोग ली, अब समझना आपको पड़ेगा। लंबे समय से हम समझते आए, आपकी बातों में आकर के हमने मान लिया कि हम हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, समझना आपको पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत इंसानियत, मानवता का रंज थोड़ा बहुत हो तो आप इस पर ज़रूर सोचना, विचार करना कि हम जो कर रहे हैं वो कैसे ठीक अच्छा हो सकता है। जैसे आपको अगर 10 दिन वास्ते इस श्रेणी में रखा जाए, आपको अछूत बनाकर रखा जाए तो कैसा लगेगा। हमने बहुत भोग लिया, समझना आपको पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जब तक तुम्हारा काल्पनिक भगवानों का, देवी देवताओं का ये माला रटना या उसके पाठ पूजा या अन्य अन्य, तब तक आप श्रेष्ठ बने रहोगे, ये मुझे पता अच्छे तरीके से मुझे मालूम है। तो इसलिए मेरा बहुजन से, पूरे बहुजन से निवेदन रही, हाथ जोड़ के निवेदन है कि इससे बाहर निकले। कोई ईश्वर, कोई देवता, ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है। हाँ, अपने समय पर चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन चले जाने के बाद में कोई शक्तियाँ नहीं रह जाती है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि हमने बहुत किया, अब है जो थोड़ा बहुत इंसानियत का परिचय दो, आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ। और मेरा मानना, जब तक इन लोगों के पास में ये देवी देवता भगवान रहेंगे, तब तक ये विशेष लोग हैं जो सर्वश्रेष्ठ बनने रहेंगे। किसी न किसी रूप में आपके साथ में भेदभाव, छुआछूत करते रहेंगे, किसी न किसी रूप में। नज़दीक बिठा लिया तो क्या हो, कोई दूसरे कार्य में, तीसरे कार्य में, मंदिर में, और में। और फिर और मेरा निवेदन रही कि इससे बाहर निकले। और मेरा अन्य समाजों से निवेदन रही, ओबीसी समाज से, आप ही समझो, सोचो, क्या इंसान का जन्म लेना एक समान है और मृत्यु एक समान है, खाना पीना फिर निकालना एक समान है, फिर बड़े और छोटे, बड़ी जात और छोटी जात कैसे, इस पर विचार करना। आप लोगों को विचार करना पड़ेगा। और आपको कुछ मिलता नहीं है इसमें कि हम लोगों के फायदा, आपका क्या फ़ायदा बताइए, ओबीसी वाले बताइए, आपके क्या फ़ायदा इनसे। फ़ायदा उन लोगों को मिल रहा है जो मंदिरों में मंदिरों की कमाई है, जो उसके घरों में आ रही है, वो खा रहे हैं, उसको फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, सोचो, समझो, विचार करो और जागो और जगाओ। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद। फिर आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।